आखिरकार टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म को साबिर खान ने डायरेक्ट और साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म दो रेबल्स की कहानी दिखाती है जिन्हें एक दूसरे से प्यार है और अपने प्यार को पाने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, फरहान अख्तर और रेमो डिसूजा जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड की। स्क्रीनिंग के बाद इन सेलेब्स ने किस तरह से इस फिल्म की ट्विटर पर तारीफ की, आइए देखते हैं। रेमो डिसूजा, बागी जरूर देखें, इस फिल्म के गाने, डांस और एक्टिंग बेस्ट है। फिल्म में श्रद्धा और टाइगर ने काफी अच्छा काम किया है। टीनो मोरिया, कल रात बागी देखी, टाइगर श्रॉफ तुम हर बार इंडियन सिनेमा को नए एक्शन से रूबरू करवाते हो, वेल डन। जेनेलिया देशमुख, साजिद नाडियाडवाला को बहुत शुभकामनाएं, टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में कुछ हटके नजर आ रहे हैं। रितेश देशमुख, जाओ और बागी देखो, इस फिल्म का एक्शन आपको आपकी सीट से हिलने नहीं देगा। साजिद नाडियाडवाला को इस फिल्म के लिए बहुत शुभकामनाएं। गुरुवार रात हुई बागी की स्पेशल स्क्रीनिंग में डेविड धवन, गोविंदा और उनकी फैमिली, तब्बू, सूरज पांचोली, अथिया शेट्टी, उर्वशी राउतेला, दिव्या खोसला कुमार और भूषण कुमार, बॉबी देओल और साथ ही टाइगर श्रॉफ के डैडी जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे। जहां टाइगर के डैडी जैकी श्रॉफ ने साबिर खान की इस फिल्म को बहुत पसंद किया है, वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। अब देखना होगा कि ऑडियंस का इस फिल्म के बारे में क्या कहना है।